हाय स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों आपका आगे का क्वेश्चन का। इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करा चुके हैं, तो आप नहीं देख रहे हो और पहली बार देख रहे हो तो सभी वीडियो को जरूर देख लेना, आपको पूरा चैप्टर ये सब चीज़ें हैं समझ में आ जाएगा। शुरू से देखना पूरा वीडियो सबको देखो। तो आज हम लोग बच्चों बात करें क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, ए डीलर सोल्ड ए कैमरा फॉर रुपीज 1080 गेनिंग 1/8 ऑफ इट कॉस्ट प्राइस। मतलब वो इतना में सेल करता है और उसको गेन क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस का 1/8 प्रॉफिट कर रहा है। तो द कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है कैमरा का एंड द गेन परसेंट, उसको कितना गेन परसेंट हो रहा है डीलर को, ये फाइंड करना है। तो देखो बच्चों इसमें क्या है, सीपी हम लोग को पता नहीं है, तो जब पता नहीं है तो सब कुछ तो मान के चलता है, हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। लेट द सीपी बी रुपीज एक्स है, ठीक है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का गेन कितना हो जाएगा, बोल रहा है 1/8 ऑफ सीपी, ठीक है। तो सीपी हम लोग का 1/8 एक्स है, यानी उसको जो प्रॉफिट है एक्स बाई एट है। तो बच्चों अब क्या करना है, तो एसपी हम लोग देखोगे बच्चों, तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाता है, ये सीपी में, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं गेन को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं तो निकल जाता है। तो हम लोग एक्स माने थे, उस हिसाब से इसका प्रॉफिट जो है एक्स बाई एट है, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब वन है, आप एलसीएम लोगे तो एट आएगा, इस एट को वन से डिवाइड करो तो एट, तो यहाँ आ जाएगा आपका एट एक्स प्लस एक्स रहेगा यहाँ, तो ये हम लोग का आ गया, हम लोग जो मान के चले उसके अनुसार हम लोग का सेलिंग प्राइस 9x/8 है और क्वेश्चन में जो सेलिंग प्राइस है बच्चों 1080 है। तो सेलिंग चीज़ एक ही है, एक ही डीलर है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होगा, ये जो हम लोग का सेलिंग प्राइस आया वो सेलिंग प्राइस और जो क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया, अब बच्चों इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है, तो एक्स यहाँ छोड़ देंगे तो ये 1080, ये एट ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नाइन आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। यदि बच्चों आप इसको डिवाइड करोगे नाइन से डायरेक्ट, ठीक है, तो ये आपका जो है डिवाइड हो जाएगा बच्चों 12 बार में, ठीक है। अरे एक जीरो है, 12 9 12 जा, ठीक है, 108 होता है। अब इसको 12x जब मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा बच्चों, आपका जो आएगा 96 होता है और एक जीरो लगा दिए, तो ये हम लोग का जो है सीपी निकल गया, ठीक है। तो देखो बच्चों ये क्या हो गया, सीपी इक्वल टू आ गया रुपीज 960 आया। अब हम लोग का गेन कितना है उसका, तब ना गेन परसेंट निकलेगा, तो गेन इक्वल टू ये सीपी का जो हम लोग का था 1/8 था, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 112, ठीक है, 12 बार में कट जाएगा तो रुपीज 120 आपका गेन हो रहा है। अब बच्चों गेन परसेंट निकालेंगे, तो जैसे कि पता है बच्चों गेन परसेंट निकालने के लिए हम लोग गेन को ऊपर लिखते हैं और ये गेन लॉस परसेंटेज जो कैलकुलेट होता है सीपी पे होता है इनटू यहाँ आपको मल्टीप्लाई 100% साइन लगा देना है। तो बच्चों गेन आप देखो, गेन हम लोग का है 120, सीपी हम लोग निकाल चुके हैं 960 है इनटू 100, ठीक है। तो बच्चों ये एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ हम लोग काट देते हैं, आप डिवाइड कर दो इसको 12 से करते हो तो 8 बार में कट जाएगा ये, ठीक है, और ये कट जाए आपका 10 बार में कटेगा, फिर इसको 2 से करोगे तो 4 बार में ये 5 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 2 बार में ये कट जाएगा 5 में, तो परसेंटेज साइन रहेगा, क्या आ गया आपका 25/2% आ रहा है। मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो 12 1/2% रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16 कंप्लीट हुआ बच्चों। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एक फटाफट, फिर जो देखो आगे क्वेश्चन नंबर है
जो हम लोग का 70। तो देखिए वही मिलता जुलता क्वेश्चन है आपका। देखो क्या है, मीनाक्षी सेल ए पेन फॉर ₹54, लॉस 1/10, हार आउटले। आउटले मीन्स क्या होता है, जो उसका सीपी है, कोई चीज़ को हम लोग परचेज करते हैं उसको आउटले बोलते हैं। तो सीपी निकालना है पेन का, द सीपी ऑफ द पेन एंड द लॉस परसेंट निकालना है। पिछले वाला क्वेश्चन का सिमिलर है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 70। तो बच्चों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट्स जरूर करना, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करोगे। हम लोग यहाँ भी मान लेते हैं बच्चों एसपी, ठीक है, एसपी दिया है। तो लेट सीपी बी रुपीज एक्स मान लिए, ठीक है। तो लॉस क्वेश्चन के अनुसार क्या है, लॉस इज इक्वल टू क्या बोला है, सीपी ऑफ, ठीक है, 1/10 ऑफ सीपी का 1/10, ठीक है। तो सीपी एक्स है तो एक्स बाई टेन इसका लॉस हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों लॉस हो जाता है, तो सीपी में यदि हम लोग लॉस को हटा दें तो एसपी हो जाएगा, यानी ये एसपी इसका टू क्या हो जाएगा आपका, सीपी माइनस लॉस, ठीक है। तो सीपी एक्स है, लॉस एक्स बाई टेन, यहाँ वन रखोगे एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका रूल के अनुसार 10x माइनस एक्स, तो आपका ये 9x बाई 10 आ गया, एसपी आ गया। अब क्वेश्चन में जो हम लोग का एसपी है बच्चों 54 है, ठीक है, आप देखो 54 दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम लोग एटीक्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो मान के चले थे उसके अनुसार एसपी आ गया 9x बाई 10, और क्वेश्चन में दिया है 54 दिया है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से सॉल्व यदि हम लोग करें तो एक्स इजकल टू ये 54 है, 10 ऊपर जाएगा रूल के अनुसार मल्टीप्लाई में, नीचे 9 आएगा, 9 वन जा 9 सिक्स जा, ये इसका जो एसपी था, ठीक है, सीपी जो था आपका ₹60 आ गया, मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो सीपी कितना निकल गया पेन का आपका ₹60, ठीक है। तो अब हम लोग लॉस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लॉस क्या था हम लोग का क्वेश्चन में, देखो एक्स बाई टेन है, तो यहाँ 60/10 यानी आपका जो लॉस किया ये पेन में ₹6। तो अब बच्चों हम लोग यहाँ लॉस परसेंट निकाल जल्दी दें, क्या आ जाएगा आपका, देखो तो लॉस, ठीक है, बाय सीपी इंटू 100% साइन आपको पुट करना है। लॉस 6 था, सीपी हम लोग का 60 था, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई जो करना है 100 से और परसेंट साइन आपको लगा देना है, ठीक है। तो ये तो आपका कट गया 0, 6 1 जा 1 जा, तो 10 बचा, तो 10%। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करोगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे। थैंक यू।